मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और बच्चे ना कभी भी मतलब ढंग से इंट्रो करने ही नहीं देते, इंट्रो क्या वीडियो ही नहीं बनाने देते। तो आज है बुधवार और आज क्या है मतलब आज अनवी की छुट्टी थी तो मैं लेट ही उठी थी और लेट ही काम शुरू किया, लेकिन मैंने सारा काम फिनिश कर लिया है और अभी मैं सोच रही हूँ, और अभी 9:30 बजे हैं फिर भी काफ़ी काम हो गया मेरा। और अभी मैं सोच रही हूँ कि एक्चुअली हमारी किचन में एक स्टोर रूम है, आपको पता है, और उस स्टोर रूम में जब भी हम गर्मियों में आटा नहीं रख सकते, गर्मियों में आटा हमें बाहर हॉल में रखना पड़ता है क्योंकि उसमें कीड़े लग जाते हैं। तो वो आटा तो मैंने निकाल लिया, लेकिन बहुत उथल पुथल हो रखी थी उसमें स्टोर रूम में, तो मैं सोच रही हूँ कि उसको मैं सेट कर लूँ, तो वो आपके साथ ज़रूर मैं शेयर करूँगी। और कल मैं कुछ कांच के बॉटल्स और ये सब लाई थी, आपको दिखाया था मैंने, तो उनको भी वॉश करूँगी। और क्या क्या करूँगी, आज इडली बनाने का सोच रही हूँ। कल मैंने जो घी बनाया था कल के वीडियो में अगर आपने देखा हो तो उसमें जो छाछ बची थी उसमें मैं इडली बनाने का सोच रही हूँ। और पता नहीं तो जैसे जैसे दिन चलता जाएगा देखते जाओ क्या क्या करते। तो देखो स्टोर रूम ना पूरा उथल पुथल हो रखा है, आप देख सकते हो इधर। ये एक मैं कल नया बास्केट जो लाई थी आपको दिखाया था, लेकिन देखो पूरा सामान ऐसे ही पड़ा है, ऊपर भी ऐसे ही हो रखा है। आटा मैंने निकाल दिया है, वहाँ पर सेट किया है, आप देख सकते हो, तो वहाँ पे ही रहेगा वो। अब वो दिवाली की सफाई में ही अंदर आएगा, तब तक अंदर नहीं आएगा क्योंकि फिर कीड़े लगते हैं तो फिर क्या फ़ायदा। तो चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, अब कीड़े तो नहीं खा सकते ना किसी को दिखाने के लिए, तो इसलिए वहीं पे रहेगा वो। और यहाँ पे जो स्पेस ये वाला, तो ये तो खाली रहेगा, लेकिन मैं इसको सेट कर दूँगी अभी। मैं सोच रही हूँ कि जितना हो सका मैं इसको देखती हूँ खाली करूँ या वैसे ही सामान को मैं सेट करूँ, तो वो मेरे मूड पे डिपेंड है। कभी कभी मैं पूरा खाली कर देती हूँ, कभी यहीं पे पूरा सेट कर देती हूँ। तो अभी मैं क्या करूँगी वो मैं देखती हूँ। एक एक डब्बे मैं निकालते जा रही हूँ बाहर, और जैसे खाली डब्बे हैं ना उनमें भरते जा रही हूँ कुछ कुछ, और ये बिस्किट सारे इसमें डाल दिए। तो ये पार्ले जी बिस्किट में चाय के साथ बड़े अच्छे लगते हैं, कभी कभी खा लेते हैं। और क्या है इसमें देखो, क्या ये मच्छर मक्खी उड़ते रहते हैं। खाली बर्तन हैं, खाली डब्बों को निकालो बाहर। और ये देखो कब के क्या क्या रख रखे हैं मुझे पता ही नहीं, इनको मैं ना बाहर निकाल लेती हूँ पहले, फिर इनको सबको देखूँगी। देखो खाली वाले डिस्पोजल जो हैं वो भी यहीं पे पड़े हैं, ये डब्बा तो मुझे फेंकना ही है, तो मैं पहले खाली कर लूँ फिर दिखा। ये बीच में मुझे मिल गई ग्रीन टी, तो आधी तो मैंने इसमें डाल ली, थोड़ी सी बनाएंगे और काम करते करते ही बीच में ग्रीन टी पियेंगे। थे पियोगा क्या? दो घूंट मम्मी जी भी पियेंगे। तो ये डाल दिए पत्तियां मैंने इसमें, और ये थोड़ी देर में बन जाएगी अपने आप। तब तक देखिए मैंने क्या किया है, इतना ही खाली किया है अभी, तो बीच में शिवांश को खिलाने लग गई मैं। ये हमारी ग्रीन टी भी तैयार, तो पहले ग्रीन टी पी लेते हैं उसके बाद करेंगे काम। तो मम्मी जी की मैं ढक देती हूँ और खुद की एंजॉय करेंगे। काफ़ी दिनों बाद मैं ग्रीन टी पी रही हूँ, कड़वी है। ऊपर वाला सेक्शन भी मैंने खाली कर दिया, सारा सामान नीचे रखा है एक बार, नीचे वाला भी खाली नहीं किया क्योंकि कचरा ही रहा है। और वैसे भी ये सारे है ना खाली डब्बे हैं, अब इसको मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा पोछा मार दूँ और फिर न्यूज़पेपर जचाऊँगी, फिर इनको जचाएंगे। और बाहर की हालत देखो, पूरा सामान सब जगह फैला के बैठी हूँ। तो सफाई करते हैं तो एक जगह सफाई करते हैं दूसरी जगह फैला देते हैं। तक की अपडेट ये है, देखो ये वाला सेक्शन सेट हो गया, सारी चीज़ें संभाल ली, अच्छे से देख ली क्या किस में है, कुछ ख़राब तो नहीं हुआ, और अच्छे से सेट कर दिया। और ऊपर वाला जो सेक्शन है उसको भी, वो थोड़ा सा आपको भरा भरा लग सकता है, लेकिन मुझे पता है मैंने क्या कहाँ पे रखा है। और ये ना थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें ऐसी होती हैं जो अब भी नहीं चाहिए होती हैं लेकिन बाद में चाहिए होती हैं, और इनमें ना जैसे होली दिवाली पे चाहिए होती है, तो और कोई जगह थी नहीं रखने के लिए, तो हम लोग इस वाले सेक्शन में आगे तो जो चीज़ें चाहिए होती है ना वो रख लेती हूँ, और पीछे वाले में वो एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती हैं ना वो रख देती हूँ। तो ऐसे ही जचा दिया इसको भी। और ये वाला जो सेक्शन है इसमें सारे बड़े बर्तन हैं, मतलब बड़े वाले डब्बे हैं, जैसे मिर्ची हो गई, धनिया हो गया ज़्यादा एक्सेस में, थोड़े बहुत जैसे स्नैक्स हो गए, हालांकि मैं
ज़्यादा रखती नहीं हूँ, बिस्किट मैगी ये सब ज़्यादा मैं देती नहीं हूँ बच्चों को, लेकिन थोड़ा बहुत रख लेती हूँ कि कभी जैसे अर्जेंट ही हो जाए या बच्चों को ज़्यादा ही मन कर रहा हो तब देने के लिए। तो ये इस तरीके से सेट कर दिया। आगे का स्पेस यहाँ पे मैंने खाली रख लिया है, कुछ जो भी ऐसा होगा ना जो इजी एक्सेस में हो, मतलब जो चाहिए वो रख लूँगी। और अब ये वाला बचा है तो अब इसको और क्लीन कर दूँ, उसके बाद सफाई। ये नीचे वाला भी क्लीन हो गया, पोछा वोछा लगा दिया मैंने। अब इसमें सिर्फ न्यूज़पेपर लगाने हैं और ये सारा सामान निकला है इसमें से, इसको भी सेट कर देंगे। तो ये फाइनली सेट हो गया है सब कुछ, सारा ऊपर से लेकर नीचे तक सारा सामान आ गया, और ये खाली स्पेस रह गया है तो कुछ भी एक्स्ट्रा रखना होगा वो रख तो देंगे। अभी चल रहे हैं बच्चों को लेने और भागना पड़ रहा है। आ गया पुलकित, अरे आई। तो अर्नव को लेने जाएंगे और धूप हो रही है भयंकर वाली, बकेट है दवा बूढ़ी पे। देखो रास्ते में ये गाड़ी में मुझे ये मिली है बंदरिया, अनवी यहाँ पे दिख रही है आपको, अनवी यहाँ भी दिखेगी, ये यहाँ पे बैठी हुई है बंदरिया से, कब की पुरानी पुरानी फोटो भी लगी हुई है। और एक में भी थी अनवी मुझे याद है, ये टिया है अनवी की फ्रेंड, और इसमें तो नहीं है वरना तो, ये तेरी क्लास में नहीं थी क्या टिया? अभी तो यही दिख रही है अनवी की, और भी थी ना एक एक और देखी थी मैंने, ये अथर्व और तो नहीं है अथर्व, हाँ एक और ये रहा अथर्व, बस इतनी है, इतनी है अनवी की। अनवी दिख गई, ये रही एक वही वो बोल करना विश्व तनवी निकल तो रहे हैं केक। आओ 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 इधर 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 इधर, चलो चलो चलो, आज स्कूल ड्रेस नहीं पहन के आई तू? आओ। ओहो नहीं, क्यों क्यों नहीं पहन के आया? अभी बज गए हैं शाम के 5:15 और मैं करने लग गई हूँ यहाँ पे देखिए अपने वीडियो की तैयारी, और बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है इसलिए ज़्यादा क्लियर आपको शायद मेरी साउंड ना लगे। देखो मेरा सेटअप यहाँ पे जचा लिया है मैंने, यहाँ पे वीडियो शूट हो रहा है, वीडियो में तो ऐसे दिख रहा है लेकिन नॉर्मली इतना फैलाया हुआ है। तो ये मैंने अपना सेटअप लगा लिया, अभी मैं वीडियो शूट करूँगी और उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। तो यहाँ पे सब्जी बना रही हूँ मैं शिमला मिर्च। बुआजी कैसी बनी है? बहुत अच्छी बनी है क्या? और आपको कैसी लगी, खाई जा रही है आपसे? बढ़िया। तो मम्मी जी और बुआ जी को तो पसंद आ गई मेरी मिर्ची, और ज़्यादा व्लॉग में नहीं बना पाई क्योंकि खाने में ही लगी हुई थी, तो बाद में बात करती हूँ। अभी खाना खिला रही हूँ। मैं अपना डिनर ले आई हूँ, ये जो स्टफ्ड शिमला मिर्च है उनको मैंने आधा आधा काट लिया और ग्रेवी कर ली, मतलब ग्रेवी उसके ऊपर डाला है, मतलब शिमला मिर्च अलग से कर दी काट कर और ग्रेवी अलग से है, जैसे जैसे जिसको चाहिए उस हिसाब से डाल देती हूँ। पराठा हो गया और ये अमरस, सभी में भी है अपना डिनर इन्जॉय। ज़्यादा व्लॉग तो नहीं बना पाई पर जितना भी बनाया आपके साथ शेयर किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, साथ में मिर्ची लगी है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।